अच्छा, कुछ साल पहले जब आप लोग टू व्हीलर्स लिया करते थे तो आप लोग को इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते थे, आप लोग को कम वेरिएंट्स मिलते थे, लिमिटेड ऑप्शंस मिलते थे, लिमिटेड चॉइसेस मिलती थी। बट आज 2023 में जब आप लोग कोई भी टू व्हीलर खरीदते हैं तो आप लोग को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसका मतलब यह है कि ब्रांड आपको ज्यादा वेरियंट ऑफर करता है ताकि आप लोग को ज्यादा चॉइसिस मिल सके। क्योंकि होता यह है कि किसी को ज्यादा फीचर चाहिए होते हैं, किसी को कम फीचर चाहिए होते हैं, तो आप लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को खरीद पाते हैं। इसीलिए आज मैं आ गया हूँ हीरो जूम के साथ, जो नई नवेली स्कूटर है हीरो मोटोकॉर्प की। और इस स्कूटर के अंदर क्या खासियत मिलती है वो तो आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, बट अगर आप कंफ्यूज हैं और स्कूटर को लेने का प्लान कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा वेरिएंट लिया जाए और कौन सा वेरिएंट बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। बट स्टार्ट करने से पहले मैं बुलाना चाहूंगा गौरव जी को, और गौरव जी हमारे साथ आएंगे जो यहाँ पर धनश्री मोटर में सेल्स को संभालते हैं। अगर आप लोग हीरो की स्कूटर लेना चाह रहे हैं तो इनसे बात करिए, सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर देंगे। गौरव जी आइए, बताते हैं लोगों को कि क्या डिफरेंस है स्कूटर के अंदर। नमस्कार, थैंक यू गौरव जी इस हमारी वीडियो में आने के लिए। तो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं, गौरव जी बताने वाले हैं कि इस वीडियो में आप लोग को इन स्कूटर्स में जो इनके कितने वेरिएंट्स आते हैं, इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, प्राइस का क्या डिफरेंस है, कौन सा वेरिएंट बेस्ट रहेगा और कौन सा डाउन पेमेंट वगैरह के ऑप्शन आप लोग को पिक करने चाहिए। तो सारी डिटेल्स जानेंगे आज की इस वीडियो में मेरे और गौरव जी के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं और गौरव जी आपको बताने वाले हैं हीरो जूम के सभी डिफरेंसेस और इसके वेरिएंट्स के बारे में। बात करते हैं हीरो जूम के अंदर क्या डिफरेंसेस मिलते हैं इनके लुक्स के अंदर। आप लोगों ने देख लिया कि तीनों ही स्कूटर काफी कमाल की दिख रही हैं, तीनों डिफरेंट कलर्स में मिल रही हैं, बट एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या हैं, लुक्स में क्या फीचर्स आप लोगों को अलग मिलते हैं जो आप लोगों को VX में नहीं मिलते, ZX में मिलते हैं और LX में नहीं मिलते हैं। आइए गौरव जी से पूछते हैं, गौरव जी क्या डिफरेंसेस हैं इनके लुक्स वगैरह में, जरा बता दीजिए लोगों को। बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो है इसमें आपको ये LX वेरिएंट है, LX वेरिएंट में आपको देखिए यहां पर आपको मेटल शीट जो है वो देखने को मिलती है, मेटल शीट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। साथ ही आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे जो कि अपने सेगमेंट में पहली बार है, क्योंकि नॉर्मल एलईडी तो आपको सभी में देखने को मिलेगी, लेकिन ये एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प रहेंगे जिनका फोकस जो ज्यादा बेहतर रहता है रोड पर। और स्टाइल में भी काफी कमाल की दिखती है, अगर मैं ऑन करके दिखाता हूँ तो देखिए एलईडी डीआरएस कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रही है, जो आपको कहीं ना कहीं फीचर जो फील दे रही है वो एच वाला फील दे रही है, जो हीरो ने अपना इनिशियल्स का इंटीग्रेशन कर दिया है उनकी लाइट्स के अंदर। बट अंदर भी कोई डिफरेंस है, बूट जहाँ पे लेग रूम है वहां पे भी क्या कोई चेंजेस है इन दोनों तीनों स्कूटर्स में? चेंजेस बताना चाहूंगा जी। अब VX मॉडल की तरफ चलते हैं सर। ठीक है, VX मॉडल में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर मॉडल में सर आपको कुछ चीजें आपको एड ऑन हो जाएंगी, जैसे कि इसमें आपको आगे यूटिलिटी बॉक्स जो है, आगे यूटिलिटी बॉक्स है, ठीक है, छोटा मोटा सामान आप कैरी करना चाहते हैं, बोतल कैरी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ कैरी कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको जो है आपको IPS सेंसर मिल जाता है ऊपर, जो कि हीरो की एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है, फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजी रहेगी। यहाँ पर I3S मिल रहा है, यहाँ पर मोबाइल वगैरह रखने के लिए, छोटा मोटा सामान रखने के लिए आपको यहाँ पर साथ ही बॉक्सेस दिए गए हैं। अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे इसमें आपको VX वेरिएंट में। लुक्स में एलॉयज का डिफरेंस है और यहाँ पर आप लोग को व्हील कैप इस तरीके से मिल रहा है, और यहाँ पर बॉक्सेस मिल रहे हैं जो कि आपको एलेक्स में नहीं मिलता है। अगर आप एलेक्स को देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को लगता है कि भाई इसके अंदर कोई भी बॉक्सेस नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप लोग कहीं मोबाइल नहीं रख पाते, अगर आपको मोबाइल रखना है तो यहाँ पे आप लोग नहीं रख पाएंगे, बट यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इजीली ऐसे मोबाइल रख सकते हैं। बट अगर बात करता हूँ सबसे मेजर डिफरेंस की जो आप लोग को फील होता है, और वो ये है कि यहाँ पर आप लोग को I3S टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, ये आप देख रहे हैं I3S टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है। वहीं अगर ZX में देखते हैं तो आप लोग को सारी चीज़ें मिलती हैं जो एक टॉप एंड मॉडल के अंदर आप लोग को दी जाती हैं। तो आप लोग ने LX से मुलाकात कर ली है, VX से कर ली है, बट ZX से रह गई है जो इसका टॉप वेरिएंट है। तो टॉप वेरिएंट के अंदर क्या लुक्स वाइज डिफरेंसेस मिलते हैं और कलर ऑप्शंस कितने आपको मिलते हैं स्कूटर में तीनों ही वेरिएंट के हिसाब से? गौरव जी जरा इसमें थोड़ा डिफरेंसेस बताइए, टॉप मॉडल में क्या आते हैं? टॉप मॉडल में आपको जो अलॉय व्हील मिल जाते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाते हैं आपको, साथ ही टॉप मॉडल में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन टॉप मॉडल में मिल जाता है। लाइटिंग वगैरह आप लोग को तीनों स्कूटर में सेम मिल रही है,
बट यहाँ पर आप लोग को एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है और यहाँ पर आप लोग को बल्ब भी दिया जा रहा है, यानी इंडिकेटर्स में आप लोग को बल्ब मिलता है। कुछ इस तरीके से ये बल्ब इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं। बट कलर डिफरेंस में क्या फर्क आता है तीनों स्कूटर में? कलर की बात करें तो देखिए सर, आप एलएक्स वेरिएंट में आपको सिंगल कलर ऑफर करती है, वीएक्स में आपको चार कलर ऑफर करती है, और जेडएक्स में जो है आपको तीन कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे ज्यादा कलर ऑप्शंस आप लोगों को इसी में मिल रहे हैं, यानी टॉप मॉडल में चार कलर ऑप्शन, इसमें तीन कलर ऑप्शन और उसमें एक कलर ऑप्शन। तो ज्यादा कलर चॉइस चाहिए तो आप लोग ZX के लिए जा सकते हैं। तो आप लोगों ने लुक्स में डिफरेंसेस देख लिए हैं, एक बार रैप अप कर देता हूं कि क्या क्या डिफरेंसेस देखे हैं। आप लोगों ने देख लिया कि चार, तीन और एक कलर ऑप्शन आप लोग को इन मॉडल्स के अंदर मिलते हैं। डिस्क का फर्क मिल रहा है, इसमें आप लोग को डिस्क नहीं मिलती है, इसमें भी आप लोग को डिस्क ऑप्शन नहीं दिया जाता है, और इसमें आप लोग को डिस्क वाली वेरिएंट मिलता है ZX वाले वेरिएंट के अंदर। और आप लोग ने देख लिया कि यहाँ पर एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं इन दोनों में, इसमें एलॉय व्हील्स मिल रहा है, उसमें आप लोग को एलॉय व्हील्स नहीं मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर आप लोगों ने बकेट्स देख लिए हैं, इन दोनों स्कूटर में बकेट मिल रही है, उसमें आप लोगों को बकेट नहीं मिल रही है क्योंकि वो बेस मॉडल है। तो ये सारे कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो इन तीनों को लुक्स वाइज डिफरेंट बनाते हैं। बट लुक्स की तो बात हो गई, बट हम लोग बात करते हैं क्या फीचर वाइज क्या डिफरेंसेस आते हैं, या पहले हम लोग बात करते हैं इंजन के बारे में कि कितनी दमदार है ये स्कूटर, इनका दिल कितना दमदार है। तो आइए जरा गौरव जी से पूछते हैं कि इसके अंदर कितना सीसी का इंजन मिल रहा है और कितनी पावर फिगर्स दी जा रही है। इंजन की बात करें तो सर, इसमें आपको 110.9 सीसी का इसमें आपको इंजन मिल रहा है, जिसका पावर स्पेसिफिकेशन जो रहेगा आपका 8.05 bhp पावर रहेगी, साथ ही इसका टॉर्क जो रहेगा 8.7 nm टॉर्क रहेगा इसका। ठीक है, तो आप लोग तीनों में से कोई भी स्कूटर ले लिए, तीनों में आप लोगों को सेम पावर फिगर्स मिल रही है और सेम इंजन ऑप्शन दिया जा रहा है, फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि एक ही स्कूटर है तो आप लोगों को सेम इंजन ऑप्शन दिया जा रहा है। बट अब बात करते हैं मुद्दे की, और मुद्दा ये होता है कि भाई गाड़ी के फीचर्स में क्या फर्क आता है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह किस तरीके से मिलते हैं। आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं बेस मॉडल से, एलेक्स से। सबसे पहले सर मैं आपको बताना चाहूंगा, एलेक्स मॉडल में जो है आपको सेमी डिजिटल कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर जो है वो एनालॉग रहेगा, ओडो जो है आपका डिजिटल रहेगा, साथ ही आपका जो इसमें आपको फ्यूल गेज जो है वो डिजिटल रहेगा। और इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं? इसमें ऑडोमीटर आ रहा है, ट्रिप मीटर्स भी आ रहे हैं इसमें? ट्रिप मीटर सर इसमें नहीं आएंगे, ट्रिप मीटर मिल सिंगल ट्रिप मीटर इसमें मिलता है। यहाँ पर आप लोग को इंजन वार्निंग लाइट मिल रहा है, फ्यूल कंजम्पशन के लिए यहाँ पे वार्निंग दी गई है, यहाँ पे इंडिकेटर चल रहा है, और किस तरीके से इंडिकेटर चल रहा है वो आप सामने से देख पा रहे होंगे। बट अब आते हैं वीएक्स में और देखते हैं कि वीएक्स में क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। वीएक्स का वीएक्स मॉडल में आपको जो है फुली डिजिटल कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर जो है वो भी आपको डिजिटली यहाँ पर आपको दिखाएगा, साथ ही इसमें आपको जो है टाइम भी आ जाएगा सर, इसके अलावा ओडोमीटर ट्रिप मीटर जो है इसमें आपको मिल जाएगा, साथ ही फ्यूल इकोनॉमी एवरेज व्हीकल कितना दे रहा पर लीटर। तो ये रियल टाइम एवरेज आता है यहाँ पे? जी सर रियल टाइम। तो यहाँ पे रियल टाइम मीटर आता है, मतलब आप लोग की स्कूटर चलते चलते यहाँ पर आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा कि अब कितना माइलेज मिलने वाला है आपको स्कूटर के अंदर। तो यहाँ पर स्पीडोमीटर है, यहाँ पर आप लोग को ऑडोमीटर और फ्यूल इंडिकेशन आपको मिल रहा है। बट यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर आप लोग को ऑरेंज लाइट मिल रही है और वहां पर भी ऑरेंज लाइट मिल रही है, बट क्या टॉप वेरिएंट में कुछ फर्क मिलता है? आइए देखते हैं ZX वाले वेरिएंट में। टॉप वेरिएंट में देखिए सर, एम्बर लाइट जो है वो आपको ब्लू कलर का हो जाएगा, साथ ही इसमें आपको जो है एड ऑन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है वो भी आपको एड ऑन हो जाएगी इसमें आपको। यहाँ पर भी सेम चीजें हैं, ट्रिप मीटर मिल रहा है, ऑडोमीटर मिल रहा है, ट्रिप आप लोग को सिंगली मिल रहा है, यहाँ पर रियल टाइम एवरेज मिल रहा है, और सबसे बड़ी चीज, सबसे यूजफुल चीज ये है कि स्कूटर के अंदर आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है, मतलब मोबाइल को आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी यूटिलिटी ये है कि क्या इसके अंदर कहीं यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल रहा है? जी सर बिल्कुल, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट रहेगा यहाँ पर, नीचे फोन चार्ज कर सकते हैं आप। तो नीचे आप लोग को यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, तो क्या ये चीज तीनों मॉडल में मिलती है या फिर सिर्फ टॉप मॉडल में मिलती है? ये सर आपको VX और ZX वेरिएंट में मिलेगी, आपको LX में नहीं मिलेगी सर। तो LX में आपको पोर्ट नहीं मिलता है, LX में भी ऑप्शनल रहेगा, अगर आप चाहते हैं तो आप परचेज करके आप लगवा सकते हैं। और एक चीज और है, वो है I3S टेक्नोलॉजी। I3S टेक्नोलॉजी क्या होती है, कई बार बता चुका हूं कि आप लोग अगर आइडल खड़े हैं ट्रैफिक के अंदर और आप लोग फ्यूल बचाना चाहते हैं, ज्यादा माइलेज चाहते हैं, तो आप लोग स्कूटर अपने आप बंद हो जाएगी और ब्रेक दबाएंगे स्कूटर अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। काफी यूजफुल चीज है। बट क्या ये चीज तीनों में मिलती है? नहीं सर, ये आपको LX में नहीं मिलेगी, सिर्फ VX और ZX में देखने को मिलेगी। तो I3S टेक्नोलॉजी जो है दो मॉडल्स में दी जा रही है, बेस मॉडल में आप लोग को नहीं मिल रही है। और तीसरा डिफरेंस ये भी है कि डिस्क आप लोग को दो वेरिएंट में नहीं मिलती है, एक वेरिएंट में मिल जाती है। तो ये सारे कुछ फीचर वाइज डिफरेंसेस हैं। बट अब आते हैं बूट की तरफ, कि स्टोरेज कैपेसिटी कितनी मिलती है, क्योंकि जो आप लोग स्कूटर खरीदते हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी खरीदते हैं, उसको कभी आप लोग सामान भी लाते हैं, कभी आप लोग फ्रेंड्स के साथ राइड भी करते हैं। तो आइए जरा स्टोरेज कैपेसिटी खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर कितना स्पेस है और लाइटिंग वगैरह मिलती है या फिर नहीं मिलती है। बूट साइज जो है आपको काफी बड़ा मिल जाएगा, इसमें आप फुल साइज हेलमेट जो है वो इजीली कैरी कर सकते हैं, साथ ही आपको फ्यूल टैंक जो है 5.2 लीटर का आपको कैपेसिटी मिल जाती है, 5.2 लीटर की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रात में अगर अंधेरे में कोई सामान नहीं मिल रहा है स्कूटर के अंदर, तो यहाँ पर लाइटिंग दी गई है, काफी सोच समझ के हीरो ने यहाँ पर आप लोगों को लाइटिंग दे दी है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बट क्या इसके अंदर कोई हेलमेट आता है, इसको आइए चेक करते हैं।
तो ये मैं गौरव जी को हेलमेट देता हूं, तो उसमें चेक करते हैं हेलमेट आता है और बंद हो जाता है या फिर नहीं। तो पूरी तरीके से फुल फेस हेलमेट आ चुका है, बंद हो चुका है, तो मतलब स्टोरेज कैपेसिटी भी कमाल की है और बूट जो आपको मिल रहा है वो काफी अच्छी मिल रहा है और साथ ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप लोगों को 5.2 लीटर्स की दी जा रही है। तो प्रैक्टिकलिटी भी ऑफर हो रही है, लुक्स भी दिए जा रहे हैं और कमाल के फीचर तो हीरो ऑफर कर ही रहा है। चलिए बात करते हैं मुद्दे की, और मुद्दा यह है कि भैया स्कूटर तो आ चुकी है सामने, लेकिन प्राइस डिफरेंसेस क्या है, कितने की आती है, पॉकेट पर कितना असर डालने वाली है, और अगर फाइनेंस वगैरह देखना है तो कितने पर आपको स्कूटर पड़ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं क्या प्राइसेस हैं इनके वेरिएंट्स के हिसाब से। एलेक्स की बात करें तो एलेक्स जो आपको एक्सशोरूम प्राइस जो रहेगा 71,399 एक्सशोरूम प्राइस रहेगा नोएडा, ठीक है। और ये वीएक्स का वेरिएंट प्राइस क्या रहेगा? वीएक्स की बात करें तो वीएक्स आपको जो रहेगा 74,499 एक्सशोरूम प्राइस नोएडा। और जेडएक्स का क्या प्राइस है? जेडएक्स जो रहेगा आपका देखिए 79,499 एक्सशोरूम प्राइस इन नोएडा, ठीक है। ZX में आप लोगों को सबसे ज्यादा प्राइस मिल रहा है और उसके बाद आप लोगों को बेस तो आप लोगों को पता ही है कि कितने का मिल रहा है, बट जो गौरव जी ने प्राइसेस बताए हैं ये नोएडा के प्राइसेस हैं और ये एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। बट अगर आप लोग किसी और सिटी से हैं, किसी और स्टेट से हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उसका नाम, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वहां पे कितना प्राइस आप लोग को एक्स शोरूम पड़ रहा है। बट अब बात करते हैं उस चीज की कि अगर आप लोग को नोएडा से ही स्कूटर लेनी है और दंशरी मोटर पर ही आना है तो गौरव जी से आप लोग बात कर सकते हैं, जिनका नंबर नीचे दिया हुआ है। बट उससे पहले इनसे बात करते हैं कि क्या कोई डिस्काउंट वगैरह भी दिया जा रहा है और क्या फाइनेंस ऑप्शन के अंदर मिल रहे हैं। डिस्काउंट की बात करें तो अभी देखिए कॉर्पोरेट डिस्काउंट जो है हीरो की तरफ से वो ऑफर है इसमें आपका, साथ ही इसमें आपका डिलीवरी सेगमेंट जो है वो भी रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग फ्लीट ओनर्स वगैरह भी हैं और आप लोग स्कूटर लेना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग को अलग डिस्काउंट मिल जाता है। फाइनेंस अगर कराना है तो क्या ऑप्शंस रहेंगे? फाइनेंस में हमारे पास काफी ऑप्शन है, काफी अच्छे ऑप्शन है, जिसमें आपको 0% आरओआई वाली स्कीम भी हमारे पास है, ठीक है। लो डाउन पेमेंट भी स्कीम हमारे पास अवेलेबल है, दोनों ही तरीके की स्कीम हमारे पास। और कम से कम डाउन पेमेंट क्या देनी पड़ेगी स्कूटर को लेने के लिए? कम से कम डाउन पेमेंट देखिए 100% फंडिंग जो है हमारे पास हो जाती है, जिसमें आपको सिर्फ फाइल चार्ज जो है वो पे करना होता है। तो आपको 100% क्या अमाउंट रहेगा अप्रोक्सीमेटली हमारे व्यूअर्स के लिए बता दीजिए। देखिए अगर मैं एक फिक्स अमाउंट की बात करूं तो देखिए फिक्स अमाउंट कुछ भी हम ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि वो लोन 100% होगा, वो बैंक जो है वो आपको बताएंगे। तो मिनिमम मैं बात करूं तो 5,000 में आपको मिल जाता है। तो 5,000 में अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स फिगर्स हैं, आप लोग जब आएंगे आपके हिसाब से वो जो फिगर्स होंगी वो चेंज हो सकती है, बट कंडीशनल वो सारी चीजें कंडीशंस हैं। बट अगर मैं बात करता हूं कम से कम क्या डाउन पेमेंट होगी स्कूटर को घर ले जाने के लिए, तो 5,000 गौरव जी ने बताया है। और मेरे हिसाब से भैया 5,000 में आप लोग को हीरो जूम मिल जाएगी। आ जाइए धनश्री मोटर्स और स्कूटर को चेकआउट करिए, चला कर देखिए कैसी चल रही है। मेरे हिसाब से अब मैं चलाने जा रहा हूं स्कूटर को, कैसी चलती है उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इसके राइड रिव्यू में। थैंक यू गौरव जी हमसे बात करने के लिए और अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए, बहुत मजा आया आपके साथ बात करने में और स्कूटर के बारे में जानने में बहुत अच्छा लगा कि मतलब क्या सब चीजें हीरो अब लेके आ गया है, वो सारी चीजें ऑफर कर रहा है जो इसके सेगमेंट ड्राइवर्स किया करते थे अब हीरो में भी आप लोग को मिलने लगी है। तो आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बट जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, फ्री है, एक बटन दबा के सब्सक्राइब करना है, मोटर की छोटी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, ऑटोमोबाइल्स के अपडेट्स लेते रहिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे फ्लैश हो रहा है, वहां पर आप जाके फॉलो भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।